ना हेयर रिंस जो होता है गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हमेशा कहती हूँ बाल इस वक्त गीले रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी टोनर रेमेडी रिंस वाटर आप यूज कीजिएगा तो रिजल्ट गजब का मिलेगा। एक तो बाल गीले हैं, ऊपर से गाइस बाल हमारे फ्रेश है, शैम्पू से वॉश हो चुके हैं, तो सोचिए इस वक्त अगर आप रिंस वाटर कीजिएगा तो कितना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस रिंस वाटर आप बहुत तरह से कर सकते हैं, बहुत प्रकार के रिंस वाटर होते हैं। कुछ तो मैंने अपनी रेमेडी पर चैनल पर शेयर किया है, बहुत कुछ जो है मैंने अभी तक शेयर किया ही नहीं है, फिर भी मैं दो तीन आपको टिप्स बता दे रही हूँ करना क्या। क्लोव्स ले लीजिए, क्लोव्स को पानी में उबाल लीजिए, उसका जो पानी आपको मिलता है उसको बॉल्डनेस रिकवर करना गाइस इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम DIY रेमेडीज को कंटिन्यू वे में करेंगे और होपफुली में करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसने मुझे रिजल्ट दिया है। बहुत से व्यूवर्स ऐसे कहते हैं कि दीदी आप ऐसे करके दिखाइए, देख लीजिए जिनको जिनको देखना है, मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ। ये है मेरा अभी का रिजल्ट और मेरे 3 साल 2 साल पहले का रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारे वीडियो में, फिर भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इस वीडियो में भी मैं शेयर कर दूंगी गाइस। काफी अच्छा रेमेडी मतलब रिजल्ट मिलता है DIY रेमेडी से गाइज, अगर आप होपफुली और कंटिन्यू करेंगे तो। आइए गाइज आज हम सब बात करेंगे इसी टॉपिक में कि बॉल्डनेस कैसे क्योर किया जा सकता है घर पर होम रेमेडी के थ्रू। तो पहला जो कुछ मेजर स्टेप है गाइज जो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, जिस तरह हम खाते हैं नहाते हैं सोते हैं पानी पीते हैं, उसी तरह हेयर केयर को अपनी रिजीम का एक हिस्सा बना लिए, रूटीन का एक हिस्सा बना लिए। सुबह उठकर गाइज आपको जैसे आप फ्रेश होते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, इसी तरह सेम एज इट इज आपको अपने हेयर को, बालों को अगर आपने टाई करके रखा है, ब्रेड बना के छोटी बनाकर रखा है, खोलिए अच्छे से कोम कर लीजिए, देन उसको एक बन बनाकर रख लीजिए। या फिर बालों को कोम करना गाइस बहुत जरूरी होता है, बहुत मींस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल्स रहते हैं कोम के जरिए ही हमारे पूरे लेंथ में जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज कम से कम एक दिन में 2 दफा कोम तो कीजिए ही कीजिए, ये लाजमी है, ये मैंडेटरी आपके लाइफ के लिए समझ लीजिए। अगर आप हेयर लवर है या फिर आपको हेयर से कोई भी मसला नजर आ रहा है, कोई भी मसला गाइस, अगर आपका लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है या फिर आपको डैंड्रफ आ गया, आप सिर्फ ये सिंपल स्टेप कीजिएगा आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज प्लीज बालों को 2 दफा एक दिन में कोम जरूर कीजिए, मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कोम करने का भी एक डिसिप्लिन वे होता है। ऐसा नहीं कि कोम उठाया और बालों को जोर जोर से झाड़ने लगे, नहीं, आप नॉर्मली आराम से टेक योर टाइम देखकर अपने आहिस्ते आहिस्ते अपने बालों को सुलझा ले, देन बंद करके रख लीजिए। और गाइज बालों को रैंडमली खोलकर ना घूमे, जब जरूरत हो तभी खोले, कोई पार्टी फंक्शन में जाने हो तब खोले, बार बार बालों को खोल के रखने से बाल काफी फ्रिजीनेस आ जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लीज अगर आप ये गलती कर रहे हैं, ये सब गलतियां, तो आज से ये सब गलतियां जो है वो स्टॉप कर दीजिए, ताकि आपको जो है अपना हेयर को ग्रो करने में हेल्प मिले, आपको अपने हेयर को लेंथ बढ़ाने में हेल्प मिले। तो गाइस जो तीसरा जो मेजर स्टेप है जो हमारी घर में होती ही नहीं है वो है कोम। सबका पर्सनल कोम होता नहीं है, प्लस गाइस एक का कोम दूसरा आदमी यूज करता है, और दूसरी बात जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि कोम हम टाइमली वॉश नहीं करते, जो सबसे बड़ा मसला है गाइस। आज सपोज कीजिए ये कोम को मैंने अपने बालों पे लगाया, आज मैंने शैम्पू किया हुआ है, कल मैंने यही कोम सेम उठाया और फिर मैंने बालों पे लगाया, थर्ड डे मैंने सेम यही कोम लगाया और बाल पे उठाया, तो क्या होता है इसमें जो बैक्टीरिया बिल्डअप होता है वो आज का कल भी लग गया, कल का परसों लग गया, वैसे वैसे होके लगता है। सोचिए ये हमारा कोम है, मेरा पर्सनल कोम है तो मैं इसका बता रही हूँ, अगर यही कोम 3-4 आदमी अगर यूज करेगा तो सभी का बैक्टीरिया एक दूसरे के स्कैल्प पे जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस सब बातों का छोटी छोटी बातों को अगर आप माइंड में रखते हैं गाइस, तो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप अगर DIY रेमेडी आगे जाकर स्विच करने वाले हैं DIY रेमेडी पे, तो रिजल्ट जो है आप देखकर हैरान होने वाले हैं, चौंकने वाले हैं और दुआएं देने वाले हैं। तो गाइज पिलो कवर के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ, फिर एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि पिलो कवर हर सेकेंड थर्ड डे में आपको चेंज करना है। अगर बालों को हेल्दी करना चाहते हैं, बालों से प्यार करते हैं, तो जरूर चेंज कीजिएगा। उसके बाद गाइज आ जाता है कि आपको DIY रेमेडी को अपना हिस्सा बना लेना है, कम से कम मिनिमम एक दिन आपको हफ्ते में बालों में कोई भी मास्क लगाना है। टोनर कोई ऐसा आप बना लीजिए जिसको आप रोज अप्लाई कर सके, मेरा चैनल पर बहुत ऐसा टोनर है जिसको मैंने एवरीडे कहा है, जिसको 3 दिन कहा है उसको आप एवरीडे नहीं कर सकते, जिसमें एवरीडे मैंने मेंशन किया है उसी को आप एवरीडे लगा सकते हैं। तो आप रोज मेरी क्लोव्स का टोनर मैंने जो शेयर किया है उसको आप रूटीन का हिस्सा बना लीजिएगा, इस कम से कम 1 महीना कीजिए, काफी अच्छा रिजल्ट है। बेबी हेयर सिर्फ फ्रंट से नहीं आएंगे, क्राउन एरिया से भी आएंगे, खुश हो जाएंगे गाइज आप वो टोनर इस्तेमाल करके अगर आप एक दफा उसको बना लेते हैं। उसके बाद गाइज आ जाती है बारी कि हम बाहर जब भी घूमने जाते हैं तो हमें बहुत शौक होता है कि हम बालों को खोल कर जाए, उड़ाते हुए जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये जुर्म कर रहे अपने आप
अपने आप के साथ, अपने बाल के साथ। जी गाइस, बाहर कहीं भी जा रहे पॉल्यूशन में, जैसे हम सनस्क्रीन अपने स्क्रीन पे लगाते हैं, अपने फेस पे लगाते हैं कि बाहर जा रहे हैं तो कोई भी पॉल्यूशन से डैमेज ना हो हमारे स्किन, तो हम बालों को खोलकर कैसे जा सकते हैं? कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। आप एक बालों को अच्छे से बंद कर लीजिए बालों में, या स्कार्फ बांध लीजिए, कुछ भी कीजिए, बालों को खोला ना जाइए, बालों को सुसाइड नोट ना दीजिए। जी हाँ, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हेयर लवर है आप, ये सब मेजर पॉइंट अगर आप ध्यान पे रख लेते हैं तो काफी बेनिफिट होता है। इसके साथ अगर आप DIY करते हैं ना, तो आपको 2 गुना या 3 गुना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये सब स्टेप आपको शामिल करने पड़ेगी आपकी लाइफ में। चौथा स्टेप गाइस, जो मैं कह रही हूँ कि प्लीज इसको अपने लाइफ में शामिल कर लिए, डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प ड्राई होता है, फ्लेकीनेस आता है, बाल टूटते हैं जड़ों से, रूट से। पानी का इस्तेमाल कीजिए, पानी पिए, जितना पानी पी सकते हैं, अब ज़्यादा भी नहीं, जितना आप पी पाते हैं उतना पानी को कंज्यूम कीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है आपके हेल्थ के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी, आपके हेयर के लिए भी, क्योंकि गाइस पानी जो होता है वो हमारे हेल्थ को गाइस हाइड्रेट रखता है, और पानी की ना होने की वजह से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से स्कैल्प ड्राई पड़ जाता है। तो और गाइज, इससे भी बड़ा एक स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँ, शैम्पू। अगर आप रैंडमली शैम्पू कर लेते हैं, उठाकर फाड़ते हैं और यूं लगा लेते हैं, आप अपने बालों का स्वाहा करने वाले हैं। नुकसान के अलावा ये कुछ नहीं देगा आपको, रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं, और नुकसान इतना होगा कि आप आगे जाकर जो है वो डरने वाले हैं गाइज अपने रिजल्ट को देखकर। तो प्लीज़ शैम्पू अगर आप यूज़ करें, कोई भी शैम्पू ले लीजिए, मैं किसी शैम्पू को बुरा भला या फिर टॉप रेट में नहीं डाल रही हूँ, आप कोई भी शैम्पू लीजिए, उसको आप डायल्यूट कर लीजिए, किसी भी टोनर सीरम जो आपके पास अवेलेबल है, कुछ नहीं है तो पानी के साथ डायल्यूट कर लीजिए, देन उसको लगाइए। आप शैम्पू को फाड़ कर अगर स्कैल्प में लगा लेते हैं तो बस काम तमाम। आप शैम्पू को लीजिए, फाड़िए, पानी में उसको अच्छे से डिजॉल्व किए, देन यूज इट। उसके बाद स्कैल्प पे ही लगाना है, लेंथ पे शैम्पू का काम नहीं होता है, स्कैल्प से ही शैम्पू नीचे आता है, उसी को लेंथ में अच्छे से रब करना है, देन वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको हेयर रिंस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। हेयर रिंस जो होता है गाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा कहती हूँ, बाल इस वक्त गीले रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी टोनर रेमेडी रिंस वाटर आप यूज़ कीजिएगा तो रिजल्ट गजब का मिलेगा। एक तो बाल गीले हैं, ऊपर से गाइज बाल हमारे फ्रेश है, शैम्पू से वॉश हो चुके हैं, तो सोचिए इस वक्त अगर आप रिंस वाटर कीजिएगा तो कितना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज रिंस वाटर आप बहुत तरह से कर सकते हैं, बहुत प्रकार के रिंस वाटर होते हैं, कुछ तो मैंने अपनी रेमेडी पर चैनल पर शेयर किया है, बहुत कुछ जो है मैंने अभी तक शेयर किया ही नहीं है, फिर भी मैं 2-3 आपको टिप्स बता दे रही हूँ करना क्या है। क्लोव्स ले लीजिए, क्लोव्स को पानी में उबाल लीजिए, उसका जो पानी आपको मिलता है उसको जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो उसको स्ट्रेन कर लीजिए, उसी पानी से आपको लास्ट ये रिंस करना है। एक तो ये हो गया, दूसरा गाइज आपको लेमन लेना है, लेमन पील, यानी कि लेमन के छिलका जो हम फेंक देते हैं, लेमू जो लाते हैं हम लोग, उसको पानी में बॉईल कर लीजिए अच्छे से, देन उसको ठंडा कर लीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए, इस पानी को आपको लास्ट रिंस करना है। राइस वाटर क्लोव्स के साथ मैंने बताया, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं, काफी अच्छा रिंस वाटर होता है। तो गाइज आप अल्टरनेट कर करके इसे यूज कर सकते हैं। रिंस वाटर एक ऐसा चीज है जो आप एक दिन के बाद दूसरा दिन कोई भी रिंस वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कोई रेमेडी अपने हेयर पर ट्राई कर रहे हैं तो उसको कम से कम आप 1 महीना या 3 महीना दीजिए। लेकिन रिंस वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप फर्दर आप बदल बदल कर यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है गाइज आज का। दूसरी गाइज जो बारी आ जाती है, मैंने अपने बालों को बहुत ज्यादा खो दिया था, अभी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल गया है मुझे, और आगे की जर्नी मैं जैसे हमेशा कहती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए गाइज, और सिर्फ सपोर्ट नहीं गाइज, आप भी अपने ऊपर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आ जाती है गाइस शैम्पू की बारी, कि आप हफ्ते में कितने दिन शैम्पू कर सकते हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन शैम्पू कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मिनिमम बालों को 2 टाइम्स अ वीक आपको शैम्पू करना ही करना है। हफ्ते में 2 दिन आप टाइम निकाल कर अपने बालों को शैम्पू कीजिए। ज़्यादा आप करना चाहते हैं 3 दिन भी कर सकते गाइस, मैं 3 दिन करती हूँ हफ्ते में शैम्पू, कभी 2 दिन, उससे कम मैं नहीं करती। मेरा ज़्यादातर 3 दिन हो जाता है शैम्पू, मैं अल्टरनेट डे या फिर 1 दिन बात करके वैसे करके मैंने बना लिया, क्योंकि मैं मास्क लगाती हूँ अपने बालों पे, मैं टोनर लगाती हूँ, तो मुझे नीट पड़ता ही है अपने बालों को शैम्पू करने का। तो अगर आप कुछ नहीं भी करते तो भी शैम्पू किया कीजिए यार, ऑयलिंग कीजिए देन शैम्पू कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि
बालों में जितना आप गंदगी रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका बाल जो है आपका लेंथ रुक जाएगा, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। लेंथ गंदगी की वजह से गाइज वो पोर्स के ऊपर जो है गाइज वो एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से आप कोई भी DIY करेंगे तो उसका पेंट्रेशन अंदर तक नहीं होगा। तो प्लीज बालों डर्ट जो है गाइज वो एक लेयर बना देगा और अंदर तक आपका DIY को जाने ही नहीं देगा। तो आप इतना जो मेहनत कर रहे हैं DIY का तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए बालों को हेल्दी रखिए, बहुत जरूरी होता है। स्कैल्प हेल्दी नहीं होंगे तो हेयर ग्रोथ भी रिसीव नहीं होगा, हेयर लेंथ भी इंक्रीज नहीं होगा। तो स्कैल्प का हेल्दी रहना जो है गाइज वो मेजर पॉइंट होता है आपके हेयर के लिए। इस बात को आपको हमेशा नोटिस करना है कि स्कैल्प पहले मेरा हेल्दी रहे, देन मुझे हेयर ग्रोथ जो है वो इजिली मिल जाएगा। और स्कैल्प हेल्दी करने के लिए गाइज फ्लैक्स सीड आपके पास होना जरूरी है। फ्लैक्स सीड एक मात्र वाहिद ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके स्कैल्प को न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल मीन्स इतना अच्छा कर देता है, हेल्दी कर देता है कि फर्दर आप कोई भी रेमेडी करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होता है हमारे हेयर में। तो प्लीज कुछ कुछ टिप्स मैं बीच में आपको रेमेडी भी शेयर कर रही हूँ, टिप्स भी शेयर कर रही हूँ, रिंस भी शेयर कर रही हूँ। तो आज का वीडियो अगर आप थोड़ा सा देख रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं गाइस, पूरा वीडियो देखा कीजिए। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ पूरा वीडियो में आपको डिटेल्स पता चल जाता है कि क्या क्या मैं कह रही हूँ, किस प्रकार से लगाना है, करना है, क्या करना है। तो गाइज आई होप आपको कुछ कुछ मेजर स्टेप लेना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। स्कैल्प हेल्दी करने के लिए गाइज मैंने बता दिया आपको फ्लैक्स सीड लेना है, रिंस वाटर आपको कैसा करना है, मास्क आपको हफ्ते में एक बार लगाने ही लगाना है। अगर आपको ऐसे पर्सन है जो मेथी से एलर्जिक है, यानी मेथी लगाने से उनको इचनेस आ जाती है, तो प्लीज आप मेथी का इस्तेमाल ना कीजिए, मेथी के वाटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ओवरनाइट आप मेथी को पानी में सोख करके रहने दिए, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उसी वाटर को अपने स्कैल्प पे लगाइए, एक दो घंटा रहने दिए, देन उसको नॉर्मल वाटर से चाहे तो वॉश कर सकते हैं, शैम्पू के साथ चाहे तो वॉश कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वॉश कर सकते हैं। तो गाइज देखिए हमारा एक चीज को हम डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको मेथी सूट नहीं कर रहा तो आपको मेथी का मास्क लगाना ही लगाना, नहीं, आप मेथी का वाटर यूज कर सकते हैं। जिस चीज को आप जिस तरह से यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं।